नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे आवास फाइनेंस के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो पूरा मार्केट जो है कि डाउन ट्रेंड में था। बड़े बड़े निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक की बात करें, सब भी जो है कि फाइनेंस सेक्टर ही पूरा डाउन में था। ऐसे में दोस्तों, अगर हम NBFC की बात करते दोस्तों, सारी कंपनियां NBFC वाली भी जो है कि डाउन में थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम आवास फाइनेंस की बात करते दोस्तों, तो आवास फाइनेंस में अपने को तेजी देखने को मिली और आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिली। तो बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक इस स्टॉक को भी बाइंग नहीं किए हैं, तो आप चाहे तो इसके बारे में एक बार विचार रख सकते हैं। मैं अभी बाइंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इस कंपनी के अगर फरवरी में रिजल्ट आए तो आप चाहे तो उस फरवरी वाले रिजल्ट्स को देख करके आप चाहे तो डिसीजन ले लेना। हाँ दोस्तों, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, रिजल्ट्स इनके जो है कि फरवरी में आने वाले हैं और उससे पहले इस स्टॉक में तेजी है। मतलब दोस्तों, इससे थोड़ा इसको भी अपने को क्या है, मतलब ध्यान में रखना है कि इसमें जो कि अपने को फंसना नहीं है, जिससे रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। चलिए, मैं स्टॉक के ऊपर आया। हम आ गए आवास फाइनेंशियल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करते हो तो जो रिटेलर अभी तक इस स्टॉक को बाइंग नहीं किए थे या सोच रहे थे कि हम 3800 के प्राइस पे फंस गए या 3500 का इसका हाई है, माफ करना, 3500 के प्राइस पे फंस गए, 3000 के ऊपर बाइंग किया है, तो अभी तक दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्टॉक में पूरे गिरते हुए माहौल में भी दोस्तों इस स्टॉक में एक आखिरी क्षण में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों, तेजी तो शुरू से ही रहती है, आखिरी क्षण में भी अपने को तेजी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में स्टॉक ने लगभग 150% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत अच्छी कंपनी होती है दोस्तों, तो तभी जो है इस प्रकार का रिटर्न बना के देते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ज्यादा, मतलब फाइनेंस सेक्टर की बात करें दोस्तों, मिड कैप की बात करें तो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। इस कंपनी की बात करें तो ये भी देखा जाए तो 15,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है। इसकी बात करें तो इस कंपनी ने आज के दिन लगभग 5% का तेजी दिखाया, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। 5% भी तेजी इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब दोस्तों, एक कोई एबनॉर्मल तेजी नहीं है। अगर हम इस कंपनी की बात करते दोस्तों, तो इस कंपनी ने 2 फरवरी 2022 को 3340 रुपये का हाई लगाया था। लो की बात करें तो 1698 रुपये 6 जनवरी 2023 को ही दोस्तों रिसेंट में कंपनी ने लो भी लगाया था। इस कंपनी का अगर कुछ निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते हैं। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे 20 जनवरी को इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जनवरी में ही कई बार कंपनी में जो है कि इन्वेस्टर के साथ मीटिंग भी हुआ है। ऐसे में दोस्तों, अगर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो एक यहां पे अगर आप पॉइंट पकड़ेंगे दोस्तों, तो कितना 2 फरवरी 2022 को कंपनी हाई लगाती है। 2 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी में देखा जाए 39% का स्टेक प्रमोटर के पास है। सबसे ज़्यादा दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए तो FIs बुलिश रहते हैं। रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक कंपनी के ना ही सेल्स डाउन हुए हैं, ना ही देखा जाए दोस्तों तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दोस्तों सारा कुछ जो है कि कंपनी का अभी तक जो है कि अच्छा ही था। अगर हम पीएनएल की बात करते हैं दोस्तों, तो पीएनएल भी आप देख सकते हैं अभी तक सारा कुछ जो है कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। अगर हम ऐसे में फाइनेंशियल प्रॉफिट की भी बात करते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 20% के आसपास है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, बहुत ज़्यादा डाउन तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों डाउन बहुत सारी कंपनियों का हो रहा है। फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं तो इन सब, मतलब फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, वो भी 20 के ऊपर ही है। CGR की बात करते तो कंपनी लगभग 35% डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15-20 के आसपास है। अगर हम कंपनी बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी, NBFC में काम करती है दोस्तों, तो इसके ऊपर डेट रहेगा। कि हमने दोस्तों आपसे बोला कि यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में FIs काफी बुलिश रहते हैं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में मतलब क्या है, यहां पे सेलिंग किया था, फिर वापस जो है कि FIs ने बाइंग कर लिया। दूसरा, यहां पे अगर प्रमोटर की बात करते हैं दोस्तों, प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया, कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। DIs की बात करते हैं, DIs ने माल को सेल किया है। DIs की बात करते हैं, DIs के पास बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं दोस्तों, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों, तो पब्लिक ने भी कुछ माल को सेल कर दिया है। पब्लिक की बात करें दोस्तों, तो कई दिनों से ये स्टॉक चल नहीं रहा है। कुछ पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, जो कि मतलब अपना जो कि पैसा शिफ्ट करते हैं दूसरी किसी कंपनी में, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या तेजी रहती है दोस्तों, तो उन सारी कंपनियों में जो कि वो बाइंग करते हैं। किसी गिरावट या कंसोलिडेट या फ्लैट कारोबार करने वाली कंपनियों में वो निवेश नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आपसे बताना चाहते, ये कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए जो है कि अच्छा साबित हो सकती है। हाँ, 5 साल वाले को भी देखेंगे दोस्तों, जस्ट अभी भी ये भी मार्केट में कंपनी आई है, फिर भी जो है कि 150% का ये कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है, तो ऐसे में भी एक पॉजिटिव साइन है। इसको निगेटिव पॉइंट कहिए दोस्तों मेरे पॉइंट से, क्योंकि दोस्तों आज के दिन जिस हिसाब से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है लगभग 5% के आसपास, और ऑल टाइम हाई से देखा दोस्तों, मतलब बाउंड भी हाई से देखा, तो ये कंपनी लगभग आप देख सकते हैं 43% कंपनी डाउन है। अगर कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, जो नेगेटिव पॉइंट है, आज इतनी तेजी होने के बाद
मात्र इसमें 90,000 शेयर टोटल ट्रेड हुए एनएससी प्लस बीएससी पे। इससे अच्छा देखा दोस्तों तो कल के दिन इस स्टॉक में एक अच्छा कैंडल्स भी बना था, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो वैल्यूम भी देखा है तो लगभग 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख, मतलब दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते हैं। हाँ, डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में 3 दिन से आप देख सकते हैं दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, 3 दिन से इस स्टॉक में लगभग 90%, 80%, 93% तक इस स्टॉक में माल डिलीवरी में उठाया गया है। बीच में दोस्तों आप देखेंगे तो इस स्टॉक में कई बार 70%, 81%, 81%, 84%, 84%, मतलब दोस्तों इस स्टॉक में कई दिनों से माल भी उठाया जा रहा है। जो रिटेस्टर इस स्टॉक को इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी फोकस बना के चल सकते हैं। स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिन्होंने भी रिटेल इन्वेस्टर ने टॉप पे बाइंग किया है, सोच रहे हैं फंस गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फंस गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है। हमने सारा कुछ देख लिया, कई बार डिटेल्स वीडियो बनाए, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें, जो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे दोस्तों आप चाहे तो अभी बाइंग मत कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनी में बाइंग कीजिए, आपकी मर्जी है दोस्तों। जो भी है, मतलब आपके पास अगर पुरानी होल्डिंग्स है तो आप चाहे तो कंटिन्यू करके चल सकते हैं। कंपनी की बात कर सो तो कंपनी एकदम बेस्ट है अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी भी क्या है, जब भी कॉर्पोरेट एक्शन क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी स्टॉक के में देखा जाए तो अपने को, मतलब मार्केट को आभास हो जाता है कि स्टॉक का मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब आएगा दोस्तों, उसको मार्केट को पहले ही पता चल जाता है। तो ऐसे दोस्तों इस कंपनी के 2 फरवरी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आप चाहे तो 2 फरवरी के रिजल्ट्स को देख करके फिर आपकी मर्जी, आप चाहे तो डिसीजन ले लेना। तो ऐसे दोस्तों जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो रिजल्ट्स को देख करके डिसीजन ले सकते हैं। अगर स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 1600 के आसपास आ सकता है। अगर रिजल्ट खराब आते हैं दोस्तों, मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं करते हैं, तब की बात है। अगर स्टॉक में दोस्तों रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ये स्टॉक दोस्तों 2500 के ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।